की ताजा खबर, मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में कुछ ही घंटों बाद निसर्ग तूफान दस्तक दे सकता है। हालांकि गुजरात में भी इसका खतरा है, लेकिन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में इसके टकराने की संभावना है। मुंबई के आसपास भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में शाम से ही बारिश हो रही है। तूफान की वजह से मुंबई में 50 फ्लाइट और 31 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज सिर्फ 8 फ्लाइट ही मुंबई आएंगे, जबकि सिर्फ 11 फ्लाइट ही मुंबई से उड़ान भरेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है, जबकि तूफान की आशंका वाले इलाके से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में सक्रिय ये तूफान कुछ ही घंटों में बड़ा रूप ले सकता है और इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 6 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। जो संभावना दिख रही है उससे निपटने के लिए हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहाँ तटीय इलाके में हैं उन्हें पहले सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया जाए। और उसके बाद ये भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि जो लोग हैं वो घर पर ही रहें, क्योंकि इस वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो तमाम वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो इस वक्त निसर्ग तूफान को देखते हुए महत्वपूर्ण है और इसका असर गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ सकता है, समुद्री इलाके में। हालांकि दोनों ही जगह एनडीआरएफ की टीमें पहुँच चुकी हैं, कई उड़ानों को भी इसके मद्देनज़र रद्द किया गया है। अरब सागर में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अब एक चक्रवात का रूप ले चुका है, जिसको कि निसर्ग का नाम दिया गया है। राज्य प्रशासन और जिला प्रशासनों ने इसे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। विभिन्न बलों को, विभिन्न एजेंसियों को निपटने के लिए तैनात किया गया है। जहां तक एनडीआरएफ की बात है, एनडीआरएफ की 15 टीमें अब तक तैनात की जा चुकी हैं। जनता से अपील है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर बेवजह ना निकले। दरअसल नक्शे के जरिए समझा जा सकता है कि निसर्ग तूफान का खतरा किन किन इलाकों में हो सकता है। महाराष्ट्र के पालघर, अलीबाग, ये ऐसे इलाके जहां पर इस तूफान का खतरा मंडरा सकता है और इसी को देखते हुए वहां पर लोगों से भी एहतियात बरतने के लिए कही गई है और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। इसका जो खतरा है वो गोवा के कोंकण में भी है, वहां पर भी टीमें मौजूद हैं और लोगों को अलर्ट पर रख दिया गया है। तो ये किन किन जगहों पर दरअसल तूफान का खतरा हो सकता है, मंडरा सकता है, वो हम आपको बता दें हैं। अब से कुछ ही घंटे दूर है ये तूफान। गुजरात में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर इसका खतरा ज़्यादा है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, ये वो जगह गुजरात में जहाँ पर इस तूफान का खतरा देखा जा रहा है और उसको देखते हुए टीमों को वहाँ पर अलर्ट पर लगाया गया है। महाराष्ट्र के जिस तरीके से हमने जिक्र किया, पालघर और अलीबाग भी वही इलाके जहाँ पर इस तूफान का खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है या ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा खतरा होगा।